क्या समीर वांखेड़े की जाएगी नौकरी? एनसीबी के डीजी ने दिया ये बड़ा बयान। जब से एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पार्टी में से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया है, तब से इस केस में से कुछ न कुछ खबरें आती ही रहती हैं। आर्यन खान को आज एक बार फिर से मुंबई के हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन अब इसी केस से अब एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप सब तो जानते ही होंगे कि पिछले दिनों किरण गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर से ले किरण गोसावी और एनसीबी को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे। उसका कहना था कि गोसावी और सैम नामक किसी व्यक्ति ने अपनी बातचीत में 25 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन ये डील 18 करोड़ में फाइनल हो गई। प्रभाकर सेल ने आगे कहा कि इस 18 करोड़ में से 8 करोड़ समीर वांखेड़े को मिलेंगे और बाकी बचे पैसे दूसरों में बटेंगे। प्रभाकर के द्वारा इन आरोपों के बाद अब खबर आई है कि समीर वांखेड़े आज एनसीबी के डीजी सत्यनारायण प्रधान से मुलाकात करने वाले हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पहले से ही क्रूज ड्रग्स मामले में एक गवाह द्वारा किए गए दावों की जांच का आदेश दिया था और अब एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वांखेड़े पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एंटी ड्रग एजेंसी की 3 सदस्यीय टीम आज दिल्ली से मुंबई जाएगी। टीम में एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह और इंस्पेक्टर लेवल के 2 अधिकारी शामिल होंगे। बता दें कि दिल्ली के एक एनसीबी अधिकारी को वांखेड़े पद के बारे में पूछने पर डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा, मैं इस आरोपों की जांच की निगरानी कर रहा हूं। अभी इस मामले में किसी तरह की टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। हमने अभी जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई एनसीबी के अधिकारियों ने इन आरोपों के संबंध में एनसीबी के महानिदेशक को एक विस्तारित रिपोर्ट सौंपी है। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है इस मुद्दे पर, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।